Hi, Janice. I'm extremely upset. I mean, people can be so vicious sometimes. Just imagine, the other day, this really old friend of mine came up to me and she said, "Kinazi, tum kabhi kabhi, sometimes in your show, you become too bitchy." Imagine her saying that to me. I was so hurt. But unlike our leaders, I do take public opinion very seriously. Isliye, I have decided that today I'm not going to be a bitcho, but I'm just going to bitcho. Dharasal, mere haan log hi kuch aise aa rahe hain. Oh my God, logon ke aane se pehle phone aane lagte hain. Excuse me for just a second. Hello? हाँ मेरी जान, मैंने पहचान लिया. सरसराती, बल खाती, मेरी रेशम बोल रही हो. स्मूथ एज सिल्क. कहो, क्या कर रही हो? बाय द वे रेशम, ये तुम्हें क्या हो गया है? फैशन शोज करने शुरू कर दिए हैं? हाय, देखो अपने इर्द गिर्द, देखो जरा. रीमा हदायतकारा बन गई, मीरा बॉलीवुड की क्वीन बन गई, और तुम हीरोइन से रैप मॉडल बन गई. अरे रेशम, कोई होश करो. नहीं जान, मैं डांट थोड़ी रही हूं, मैं तो समझा रही हूं. हाँ, जब फोन करो पता चलता है कि रेशम किसी फैशन शो के लिए इस्लामाबाद गई हुई है. क्या फिल्में बिल्कुल छोड़ दी हैं तुमने? हाँ, याद है तुम्हारी फिल्म आई थी, वो क्या नाम था उसका, आखिरी आखिरी फ्लॉप. हाँ, वैसे तुम तो जानती हो कि मुझे फिल्मों की नाकामी से बिल्कुल खुशी नहीं होती है, लेकिन इस फिल्म की नाकामी से मुझे बड़ी खुशी हुई. क्यों? वो इसलिए क्योंकि फिल्म के फ्लॉप होने से एक बड़ा फायदा ये हुआ कि फिल्म के हदायतकार से निजात मिल गई. कान पक गए थे उसके दावे सुन सुन के. क्या, तुम्हें कैसे खबर हुई कि मेरे यहां आज वो आ रही है? नहीं, शाहजी के साथ नहीं, अकेली ही आ रही है. क्या मतलब, ये नहीं हो सकता? हुआ है, होने वाला है, और मेरे ड्राइंग रूम में होगा. अच्छा चलो मेरी जान, अब जलो नहीं. हाँ, आई एम स्टिल योर फ्रेंड. हाँ, अगर कोई हदायतकार अपनी हीरोइन को मोहब्बत करता है तो क्या गलत करता है? हाँ, एक वर्किंग पार्टनरशिप है जान. हाँ, तुम अपना बताओ. वैसे सुना है जब से तुम्हारा वो फ्रेंच कनेक्शन टूटा है ना, कोई मुंडा लाहौर दा तुम्हारे साथ साथ नजर आता है? कम ऑन रेशम, शर्माओ नहीं. अच्छा, मिलके बात करनी है. चलो ठीक है, बुलवा लूंगी बहुत जल्दी. हाँ, जब चाहो मेरी जान, जब चाहो. अपना बहुत ख्याल रखना, बाय. ओह माय गॉड, वैसे एक बात जरूरी कहनी है. हमारी फिल्मी हीरोइंस की इंटेलिजेंस सर्विस बहुत तेज है. अभी वो आई भी नहीं और इसको पहले ही खबर हो गई. आई थिंक द FBI शुड टेक अ फ्यू टिप्स फ्रॉम रेशम. आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम. माई फर्स्ट गेस्ट टू नाइट इज अ वेरी स्पेशल पर्सन, मेरी बहुत पसंदीदा है. आप लोग तो जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलती और खरी खरी बातें करती हूँ हमेशा. सच बोलने की बुरी आदत है दरअसल मुझे. आज मैं एक स्टेटमेंट देने वाली हूँ अपनी आज की पहली मेहमान के बारे में, और वो स्टेटमेंट ये है दैट शी इज़ बाय फार द बेस्ट एक्ट्रेस दैट वी हैव गॉट टुडे इन सिनेमा. नंबरों की रेस में वो पड़ती नहीं, लेकिन मेरी नज़र में शी इज़ ट्रूली नंबर वन, एंड इट इज़ माय प्रिविलेज एंड ऑनर दैट शी इज़ फ्लोन ऑल दिस वे स्पेशली फॉर मी. So I'm not going to keep her waiting for too long, and you guys also. So step right in, Saima. It is so wonderful to have you here. You look absolutely ravishing, gorgeous. You look so beautiful, Saima. Thank you. मुझे इतनी खुशी हो रही है कि तुम मेरे यहाँ आई हो. आप जानती हैं मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ.
मेरा यहाँ आपके ड्राइंग रूम में आना इस बात का सबूत है कि मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ और आपको बहुत पसंद करती हूँ। मैं जानती हूँ सायमा, और आई होप कि तुम भी ये जानती होगी कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुम्हें कितना पसंद करती हूँ। समझ नहीं आता कि तुम्हें डाकू रानी बोलूँ या मजाजन बोलूँ। ये बताओ कि क्या हालचाल है, कैसी हो, क्या हो रहा है? आजकल तो अपनी फिल्म की कामयाबी को एंजॉय कर रही हूँ, मजाजन की, और हर तरफ से मुबारकें मिल रही हैं और बहुत खुश हूँ। है वैसे वाकई, जहाँ बाकी सारी लड़कियाँ पिट रही हैं वहाँ तुम हिट हो रही हो, माशाल्लाह। एंड व्हाट अ फिनोमिनल हिट डार्लिंग। मैं तो बल्कि मुझे अपने व्यूअर्स को बताना ये बहुत ज़रूरी है कि अभी मैं लाहौर गई हुई थी, एंड सायमा वॉज अ डार्लिंग, शी इन्वाइटेड मी टू वॉच हर फिल्म, एंड आई एक्चुअली हैड द प्लेजर ऑफ वॉचिंग मजाजन विद सायमा। फैबुलस 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 फिल्म सायमा। पहले तो मुझसे मुबारक बात कबूल करो, तुम्हें तुम्हारी फिल्म की बहुत बहुत मुबारक हो, और फिर मुझे ये बताओ कि एज अ प्रोड्यूसर, दिस इज़ योर फर्स्ट फिल्म, तुम्हारी पहली फिल्म है एज अ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के तौर पे ज़्यादा खुशी हो रही है या एज एन एक्टर ज़्यादा खुशी हो रही है फिल्म की कामयाबी के साथ? मैं दोनों के हिसाब से बोलूँगी, क्योंकि प्रोड्यूसर के हिसाब से तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, वो तो यकीनन अच्छा लगा, लेकिन एक्ट्रेस के लिहाज से मैं ये कहूँगी कि एक अरसे बाद इतनी बड़ी दाद मिली है और जिस तरह से मुबारकें मिली हैं उसकी बहुत खुशी है। बहुत मतलब तरस गए थे कि कोई हमें कहे कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी फिल्म बनाई है या बहुत अच्छा रोल किया है। और मजाजन में जिस तरह से लोगों ने पसंद की है जो मेरा किरदार और जो काम, और उसकी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि एक अरसे बाद फिर उसी तरह से जैसे डाकू रानी, चूड़ियाँ, मेहंदी वाले हाथ। तुम्हारी कुलीग्स का क्या रिएक्शन है? सबका बहुत अच्छा। हाँ, मुबारकें मिली, लेकिन दिल दिल में तो जलती होंगी ना? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सायमा कि कभी कभी लोगों, बहुत सारे लोगों के लिए किसी एक इंसान की कामयाबी को बर्दाश्त करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो डरती तो नहीं नज़र लगने से, हसद से लोगों की? नहीं, इसलिए कि मेरे दिल में चोर नहीं है। मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचती, हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखती हूँ, इसलिए डरती भी नहीं हूँ। हाय, डरती तो खैर मैं भी नहीं हूँ। इस ताल्लुक से हम दोनों बहनें ही हुई फिर। लेकिन मजाजन की कामयाबी से लगता है दैट सिनेमा विल इंशाल्लाह बी रिवाइव्ड। इंशाल्लाह। मैंने एक अरसे के बाद जिस तरह मैंने देखा ऑडियंस को सिनेमा में, खासतौर पे लेडीज को, खवातीन जिस तरह आ रही है मजाजन को देखने, वो उस बात की मुझे बहुत खुशी है कि एक अरसे के बाद ये हुआ है कि सिनेमा में खवातीन आती नहीं थी। कुछ हमारी अपनी वजह है कि हमने उनके लिए फिल्म ही नहीं बनाई। एक खास तबका है जिसके लिए फिल्म बनती है और उन्हीं के लिए बनाई है। तो मैंने ये सोचकर मजाजन बनाई है कि मेरी फिल्म को खवातीन देखने आए, और उन्होंने साबित कर दिया है, मजाजन देखकर ये साबित कर दिया है कि वो फिल्म देखना चाहती हैं, हमारी जो खवातीन हैं वो देखना चाहती हैं, उनके लिए अगर बनाई जाए साफ सुथरी अच्छी फिल्म बनाई जाए। तो ये मजाजन में मैंने देखा है जिस तरह छोटे छोटे बच्चे लेकर फिल्म को देखने आई हैं, तो मैं बड़ी मशकूर हूँ उनकी कि उन्होंने मुझ पे ये यकीन किया है कि मैंने अगर उनके लिए फिल्म बनाई है तो यकीनन वो अच्छी होगी, और उन्होंने आकर देखा। मैं मशकूर हूँ उन सब खवातीन की। बल्कि तुम्हारे सारे व्यूअर्स जो हैं वो भी तुम्हारे मशकूर होंगे कि तुमने इतने इतने अरसे के बाद पाकिस्तान को, यू नो, वी बैडली नीडेड अ गुड फिल्म एंड यू मेड दैट फिल्म। और डोंट डिप्राइव मैन, मर्दों को ना डिप्राइव करो। मैंने बहुत सारे मर्दों को भी मैंने खुद फ़ोन करके इन्वाइट किया। मखदूम साहब को मैंने फ़ोन किया था, चौधरी साहब को मैंने फ़ोन किया था, यू नो, चौधरी साहब, इंतजाज़ एहसन, नॉट दी अदर वन, उनको भी मैंने फ़ोन किया, सबको मैंने बोला, उनको मैं सबको साथ ले जाऊँगी फिल्म दिखाने के लिए। साथ इसलिए भी लेके जाऊँगी कि जब से तुम स्क्रीन पर आओगी तो उनके तुम वो खुले के खुले रह जाएंगे। कोई तो होना चाहिए ना मुंह बंद करने के लिए। वैसे भी मुझे मर्दों के मुंह बंद कराने का बड़ा शौक है। अच्छा, यू आर अ डीवा, तुम पाकिस्तान की
सबसे बड़ी स्टार हो, लेकिन तुम्हारी कभी कोई स्टेटमेंट नहीं आती कि मैं नंबर वन हूँ, मैं नंबर टू हूँ, मैं फलानी हूँ, मैं बिगेस्ट एक्ट्रेस हूँ, मैं फलानी हूँ. तुम यू डोंट नीड टू से दैट. कभी तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती. तुम्हारा काम इस चीज़ की गवाही देता है. बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरा काम ही इस चीज़ की गवाही दे और अपने काम से मतलब रखती हूँ. नंबर वन नंबर टू के चक्रों में नहीं रहती और यही चाहती हूँ कि हमेशा अपने काम से पहचानी जाऊँ, नंबरों से ना पहचानी जाऊँ. इसलिए कभी कहा ही नहीं. वेलकम बैक. आज मेरे घर जैसा कि आप सब देख रहे हैं, साइमा आई बैठी है और मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर सकती. शी इज ट्रूली एन एंजल, ट्रूली अ डीवा, रियली. साइमा, कुछ साल पीछे जाते हैं, यू नो द टाइम दैट यू वर्किंग, तुम सुल्तान राही के साथ पंजाबी फिल्मों में काम कर रही थी उस दौर में जब अंजुमन अपने उरूज पर थी और तुमने आकर अंजुमन से उनका तख्त जो है वो ले लिया, छीन लिया. अब हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस सुल्तान राही के साथ काम करने का और वो जो एक इरा था फिल्मों का, वो जो एक दौर था फिल्मों का, वो कैसा एक्सपीरियंस था? शुरू शुरू में वो तो मेरा स्टार्ट था और उस वक्त खुद नहीं पता था कि काम कैसे करना है या काम क्या होता है या कैमरे के सामने कैसे आना है. जो डायरेक्टर कहता था उस हिसाब से गेटअप कर लेते थे, उस हिसाब से मेकअप कर लेते थे. आज मैं अगर वो फिल्में देखती हूँ रईस साहब की, तो अपने आप को देखती हूँ तो हंसी आती है कि ये मैंने मेकअप क्या किया हुआ है या मैंने ये क्या ड्रेस पहना हुआ है. तो उस वक्त जो काम था एक तो खुद आता भी नहीं था क्योंकि शुरू शुरू नया नया था काम. जो डायरेक्टर कह देता था उस हिसाब से कर लेते थे. जैसे अगर हीरोइन ने उसको कह दिया वे सोनिया किथे चले हैं, तो वो पब्लिक एक हॉल में बड़के मारती थी कि सोना कह देता. तो ये लैकिंग थी उनकी, रईस साहब की. और मेरा कोई इरादा नहीं था अंजुमन के साथ या किसी और के साथ, कोई मुकाबला नहीं था कि मैंने किसी को घर बिठाना है. साइमा, अपने अगले मेहमान को बुलाने से पहले मुझे तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनानी है. ये बात है काफ़ी पुरानी लेकिन अच्छे वक्त की बात है. तुम्हें तो पता है कि मुझे लाहौर कितना पसंद है और लाहौरी उसे भी ज़्यादा पसंद है. मैं लाहौर गई हुई थी एंड आई वॉज ड्राइविंग डाउन द माल, तो मैंने एक सड़क के कोने पर एक बहुत ही स्मार्ट, अट्रैक्टिव, हैंडसम यंग मैन को खड़े हुए देखा. बच्चा सा था, हाथ में लॉलीपॉप थी काफ़ी बड़ी सी और बहुत मज़े से अपनी लॉलीपॉप खा रहा था. मैंने तो फौरन गाड़ी रोकी, यू नो आई गॉट सो टेम्प्टेड, आई जस्ट स्टॉप द कार एंड आई कॉल्ड हिम. मैंने कहा कम ऑन स्वीटी, इधर आओ. तो मेरे पास आया. मैंने कहा बेटा यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? तो कहता, मुझे कहने लगा कि मुझे एक्टर बनने का शौक है, मैं चांस के इंतजार में खड़ा हूँ. तुम तो जानती हो कि मेरा दिल कितना बड़ा है उसकी लॉलीपॉप जैसा. तो मैंने फौरन उसको कहा, मैंने कहा आओ बेटा बैठ जाओ मेरी गाड़ी के अंदर, और सीधी ले गई मुझको स्टूडियो. उसके बाद वो लड़का एक बहुत बड़ा स्टार बन गया, बहुत ही बड़ा स्टार. एंड इट इज़ माई प्रिविलेज एंड माई ऑनर दैट ही इज़ हियर विद मी दिस इवनिंग. सो आई एम गोइंग टू आस्क हिम टू स्टेप राइट इन फॉर साइमा. And for all of you, I have a special treat. Step right in, Faisal Rehman. Chale. Hi, Faisal. You look so good. हाय मेरी जान, मतलब कम से कम भी 35 साल पुरानी रफाकत होगी हमारी. हाँ तकरीबन है ना. 35 साल. और मामले में मैं ही नंबर वन हूँ, कह दिया मैंने. मैं साइमा जैसी नहीं हूँ,
जो कभी इकरार ना करूं अपने नंबर का. चलो, तो मुझे अपनी खुशी की कहानी सुना रहे थे. हाँ. और दूसरा राज बता रहे थे मुझे. और दूसरा राज ये है कि यू नो, ईट वेल, एक्सरसाइज, हैव फ्रेंड्स, गो आउट एंड हैव अ गुड टाइम. जिंदगी को यू नो, फॉर द मोमेंट लिव करो. ना पास्ट के बारे में सोचो ना फ्यूचर के बारे में, इसलिए कि दोनों के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते. है पे तुम्हें तो पता ना जानी कि मेरी नजर जो है वो फ्यूचर पे भी रहती है और प्रेजेंट पे भी रहती है. I love receiving presents. और तुम देखो मेरे लिए कुछ नहीं साथ लेकर आए, खाली हाथ ही आ गए. नहीं, मैं लाया, वो गाड़ी में पड़ा हुआ है. मैं फिर वापसी पे जब इकट्ठे हम जाएंगे तो फिर मैं तुम्हें दूंगा. और तुम्हें कैसे खुशफहमी हो गई कि हम इकट्ठे जाएंगे, फैसल रहमान? मैं आई वाज होपिंग, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि नहीं. बट मुझे सायमा को बताना पड़ेगी एक बात. सायमा, असल में ना मेरी और फैसल की कुछ अरसे का हमारा एक छोटा सा शॉर्ट लिफ्ट अफेयर, इसको कहते हैं ना, छोटा सा हमारा शॉर्ट लिफ्ट अफेयर था. कुछ दिनों की मोहब्बत थी. क्यों बता दिया लोगों को तुमने? मुझे बताओ कि सच्ची मोहब्बत की किसी से कभी? बिल्कुल सच्ची वाली, टूट कर जाने वाली. बहुत टूट के जाने वाली. हाँ बिल्कुल की. और जिसकी वजह से अब मैं किसी से नहीं कर सका, क्योंकि वो टू मच ऑफ अ हार्ट ब्रेक था, तो इसलिए आई डोंट वांट टू. लेकिन शायद आई डोंट नो, जिंदगी में अभी कभी आगे शायद हो जाए. नहीं, आई होप सो. बट आई थिंक द अरेंजमेंट दैट वी हैव विद ईच अदर इज क्वाइट कन्वीनियंट. हां, वेरी कन्वीनियंट. अब कौन पड़े इन मोहब्बतों के चक्करों में, है ना? आई होप दो दिन तो ठहरोगे ना मेरे पास. आजकल क्या कमिटमेंट्स हैं, क्या मसरूफियात हैं, क्या हो रहा है आजकल? आजकल मैं एक्टिंग मैंने थोड़ी सी कम की हुई है, बिकॉज मैं आई एम डूइंग लॉट ऑफ प्रोडक्शंस ऑफ माय ओन. आई हैव अ प्रोडक्शन हाउस ऑफ माय ओन, तो मैं ज्यादातर अब आजकल खुद अपने प्लेस वगैरह लिखता हूँ, डायरेक्ट करता हूँ, प्रोड्यूस करता हूँ फॉर डिफरेंट चैनल्स. तो ये चंद सालों से मैंने ये शुरू किया एंड आई एम रियली एंजॉयिंग इट. एक्चुअली एक्टिंग को आई डोंट मिस एक्टिंग दैट मच, इसलिए कि इतना काम बड़ा मोनोटोनस हो रहा है. एक किस्म के प्लेस, एक किस्म की फिल्में, एक किस्म के कैरेक्टर्स और रोल्स मिलते हैं. नहीं, बट आई थिंक यू डूइंग अ वेरी गुड जॉब. सम ऑफ योर टेलीफिल्म्स आई हैव सीन दैट यू प्रोड्यूस्ड एंड रिटन एंड आई थॉट दे वर वेरी वेरी गुड. और मैं ऐसे नहीं सबकी तारीफ कर दिया करती. यू नो, आई हैव टू टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. सायमा ने जो पहली फिल्म देखी थी अपनी जिंदगी में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो तुम्हारी फिल्म थी. इज इट, ये हकीकत है ना? पहली बार जो सिनेमा में जाकर मैंने फिल्म देखी तो फैसल साहब की. अच्छा अच्छा, दैट्स अमेजिंग. कौन सी फिल्म थी सायमा, आपको नाम याद होगा? फिल्म इंडस्ट्री, बिकॉज जो हमारे स्टूडियोज की लाइफ है वो मुझे बड़ी मैं मिस करता हूँ एक्चुअली. Because I grew up in the studios, you know. My father was a cinematographer. But as a child, we didn't go to the studio. But when I started working in films, I mean, I just want to, I don't want to say it, but people will say, "Yes, he's doing a lot of things." But I was 14 years old when my first film started, you know, on set. That whole life, I agree with you on that. But Faisal, us waqt jo mahol tha सिनेमा का, एज इन द इंडस्ट्री का जो माहौल था, एज इन गोइंग फॉर, एज यू सेड कि यू मिस दोज बीइंग इन द स्टूडियोज एंड वर्किंग देयर एंड ऑल दैट, वो कैसा माहौल था तब और अब में कोई फर्क है? अब का माहौल में कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैंने फिल्म में काम बहुत 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 साल हो गए, मैं फिल्म में काम नहीं किया. बीच में मैंने किया था एक छोटा एक स्टिंट था, एक फिल्म मैंने की थी बीच में, लेकिन उससे मुझे नहीं अंदाजा हुआ बिकॉज स्टूडियोज में इतना ज्यादा मेरा आना जाना था. तो मैंने फिल्में छोड़े भी बहुत साल हो गए, तो इसलिए मुझे अब अंदाजा नहीं कि किस तरह होता है काम. सो इफ आई से समथिंग इट आई यू नो, हम सायमा से पूछते हैं आज के हालात कि सायमा, क्योंकि अब तो मैं भी तुम्हारे साथ फिल्म करने वाली हूँ, थोड़ी सी एप्रिहेंसिव हूँ, तो बहुत डरती हूँ मैं. मुझे झिझक सी महसूस होती है कि एवेन्यू के फवारों की मैंने बड़ी स्टोरियाँ सुनी है, क्योंकि ये कहानियाँ सच हैं क्या? कैसा माहौल है? यू ऑफ कोर्स तुम काम कर रही हो. माहौल इंसान खुद बनाता है, अगर इंसान खुद अच्छा है तो माहौल भी अच्छा बन जाता है. और बहुत अच्छा है माहौल, लेकिन वैसा नहीं है जो उनके दौर में था. सुना करते हैं कहानियाँ कि
तब बहुत अच्छी दोस्तियां होती थी डायरेक्टर्स में, प्रोड्यूसर्स में, आर्टिस्टों में, जो कि अब नहीं है. अब अपना काम करते हैं और घर के चले जाते हैं. लेकिन जो सीनियर है, जो माँ काम कर रहे हैं, वो उनसे ये सुनने में आता है कि पहले जो होता था काम यहाँ पे, तो बहुत अच्छी उनकी अंडरस्टैंडिंग होती थी और एक दूसरे से बहुत प्यार होता था, जो कि अब नहीं है. अब हो जाएगा ना जान, अब जब मैं शाहजी की फिल्म करूंगी तो देखना कितना प्यार होता है. मैंने ये कहा कि तुम्हारा भी तो काफी दोस्ती थी बाबरा के साथ. You guys were very very close. We were, yeah. और एक वन रीजन जो मेरा और फैसल का अफेयर शॉर्ट लिव था वाज बाबरा, बिकॉज़ आई कांट शेयर माय मैन विद एनीबॉडी एल्स. दैट्स ट्रू. हाउ आर थिंग्स बिटवीन यू एंड बाबरा? वी हैव काइंड ऑफ ग्रोन अपार्ट. जिस तरह कोई भी दोस्ती, कोई भी रिलेशनशिप जो है वो मैच्योर होती है, एंड देन यू गो योर ओन वे. समटाइम्स यू नो इट्स बेस्ट टू पार्ट. बट व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डिड यू गाइस have? We had a very happy, intense relationship. मेरी उससे बहुत ज़्यादा दोस्ती थी. I used to visit her, you know, very often. और and I must tell you, she's extremely, extremely intelligent and a very, very nice human being. लेकिन जिस तरह हम सबके quirks होते हैं, मेरे भी हैं, तुम्हारे भी हैं, मुझे पता है, सबके हमारे होते हैं. इस तरह बाबरा के भी क्वार्क्स हैं. उसको आप उसको स्पैनर पे रख के ये नहीं कह सकते कि जस्ट बिकॉज़ नोबडी इज परफेक्ट. मुझे ये बताओ कि मैंने ये सुना है कि जब तुम फिल्मों में काम करते थे तो तुम्हारी अम्मा तुम्हारे साथ जाया करती थी सेट पर तुम्हारी हिफाजत करने के लिए. किससे बचाती थी, किससे खतरा था तुम्हें? I don't know. That is true के मम्मी मेरे साथ आती थी for what about a year or two years I think मेरे ख्याल में. But then you know I mean I was very young. मैंने भी मैट्रिक भी नहीं किया था. And cute. I mean you know cute तो मैं अभी भी हूँ. I mean please. Of course you are. No doubt. But see young and cute young is a lethal combination. Now I'm old and cute. हाँ of course. But that can be lethal too. The other way. तुमने जावेद फाजिल के साथ भी फिल्में की हुई है ना? जावेद साहब को की मैंने की हैं दो फिल्में की. हाँ, एक मेरी एक्चुअली माय फर्स्ट प्रोडक्शन एज अ प्रोड्यूसर फिल्म जो मैंने धनक प्रोड्यूस की थी उसमें मैंने जावेद साहब को डायरेक्टर लिया था और बहुत अच्छा उन्होंने बड़ी अच्छी फिल्म बनाई. फॉर्चुनेटली नहीं चल सकी लेकिन फिर मैंने नाराज की उनकी फिल्म. बहुत अच्छी फिल्म हमारी कॉन्वर्सेशन अभी जारी है. आई एम हैविंग अ वंडरफुल टाइम और मुझे यकीन है दैट यू गाइस मस्ट बी हैविंग अ वंडरफुल टाइम टू. एट दिस पॉइंट वी आर गोइंग टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक बट डोंट गो एनीवेयर. वी विल बी राइट बैक. एंड वेलकम बैक. वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद फैसल रहमान एंड साइमा. फैसल, तुमने अभी तक शादी नहीं की? नहीं की. तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की फैसल? इसलिए कि तुमने मुझे प्रपोज नहीं किया ना, तो मैं कर लेता. फैसल, प्रपोज भी मैंने करना था क्या? प्रपोज तुमने करना था. लेकिन मैं फिर भी ना करती. यू नो डार्लिंग, डार्लिंग, मैंने अपने आप को खराब थोड़ी करना है. शादी के बंधन में बंध कर, फंस कर, आई एम एंजॉयिंग माई फ्रीडम. अभी हम मेरी बात करी थी. बट यू नो फैसल, आई फील that true love is genderless. It is above gender. Do you agree with me on that? I agree 101%. Love has nothing to do with gender. You know, love is love. Love is much bigger than gender. And it has to, you know, come out of the gender ke jo wo clause se nikalna chahiye. Baaki mohabbat jo hoti hai wo gender se, it's above gender. Sahmat, tum इतनी बड़ी स्टार हो, तुम घर से निकलती हो, तुम लोगों से इंटरेक्ट करती हो, मिलती हो, लोगों का क्या रद्द अमल होता है, लोगों का क्या रवैया होता है तुम्हारे साथ? बहुत अच्छा. अप्रिशिएट करते हैं फिल्मों को और काम को और बहुत खुश होते हैं. बहुत अच्छा रवैया होता है. फैसल जी, मेरी जान जी, फरमाए. हाय, तुम्हारी वाइट जैकेट तो बहुत गजब की लग रही है. अच्छा, मैं समझ कहने लगी हूँ कि तुम्हारी वाइट स्किन बहुत अच्छी लग रही है.
हाँ वो भी अच्छी, यू कैन शो मी सम मोर स्किन लेटर ऑन डार्लिंग. अभी तो हो ना दो दिन मेरे पास. हाँ इधर यू, फिक्र मत करा इधर यू. अच्छा फैसल, योर ब्रदर आई एम वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ, हाउ इज ही डूइंग? मुझे बड़ा शौक है डांस सीखने का. फसी से कहो मुझे सिखाते प्लीज. हाँ मैं जरूर कहूंगा, तुम खुद फोन करके इसको कह दो. मैं नेशनल टेलीविजन पे डिक्लेयर कर रही हूँ कि मुझे बहुत शौक है डांस सीखने का. प्लीज फसी रहमान को कन्विंस करें कि वो बेगम नवाज़ अली को डांस सिखाए. फिर मैं भी साइमा के साथ फिल्म में आऊंगी. फिर जब मेरा नंबर आएगा तो फिर देखेंगे कि कौन किसको बिठाता है. तुम्हारी नहीं होती होगी आदत लोगों के साथ मुकाबले लड़ाने की, लोगों को बिठाने की, लेकिन मेरी बहुत आदत है ये सब कुछ करने की. बट एनी वे, वॉट आर यू, वॉट आर द थिंग्स फैसल रहमान दैट मूव यू? आई एम प्रैक्टिसिंग. वो कौन सा एक शो आता है इसमें समीना पी ज्यादा कुछ करती है ना, मुझे अपने हाथ दो. जब मैंने टच कर लिया तो हाँ, व्हाट मूव्स मी इज माय ओन डिजायर टू डू थिंग्स. आई डोंट get or try to get inspiration because nothing really inspires me that much because I'm basically a very boring person. Traveling actually is one of my passions, you know. Traveling I love. Pehle to main mulk se bahar bahut travel kiya karta tha apni jawani mein. Ab budhape mein main I like to travel in the country. Mujhe I love traveling in Pakistan, in places jahan log kabhi bhi nahi gaye, you know. इंटीरियर सिंध में जाने का मुझे शौक है. मुझे यू नो फ्रंटियर पंजाब के यू नो शहरों में, छोटे छोटे शहरों में, आई लव डूइंग दैट. यू नो आई लव द कंट्री लाइफ, मेरा ये है. यू नो फैसल, आई एम वेरी अपसेट. मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह के भी इंसान हो सकते हो. किस तरह के? मतलब अपने बुढ़ापे का जिक्र करके तुम बूढ़ों का मजाक उड़ा रहे हो. किसका मजाक? तुम बूढ़ों का मजाक उड़ा रहे हो बूढ़े लोगों का. अच्छा अच्छा, तुम ये समझ रही हो कि मैं उनका मजाक, मैं तो अपना मजाक उड़ा रहा हूं. तुम उनका मजाक उड़ा रहे हो. तुम आप मुझे बताइए कहीं से बुढ़ापा आपको नजर आ रहा है? अभी हम एक साथ आ रहे थे प्लेन पे तो एक खातून आई तो उसने यही सेम यही सवाल किया कि आप बूढ़े कब होंगे. नहीं मैं आई एम एन ओल्ड मैन. अच्छा तुमने कसम खा ली कि फिल्मों में काम नहीं करना या अगर कोई बहुत अच्छा रोल? मैं बिल्कुल ऑफर होता है, मैंने कभी फिल्मों से रिटायरमेंट नहीं ली. मुझे फिल्म वालों ने खुद रिटायर कर दिया और वो एक होता है, हर जमाने का एक टाइम होता है. और ये लेकिन आपको ये होता है कि फिल्म इंडस्ट्री में आपको खुद भी कोशिश करते रहना चाहिए फिल्में लेने के लिए और इंटरेक्ट करने के लिए. मैंने खुद कभी नहीं कोशिश की, इसलिए कि शायद कुछ मैं खुद भी नहीं, यू नो लेजी आदमी हूँ. आई एम अ वेरी लेजी पर्सन. मैं एम्बिशियस बिल्कुल नहीं हूँ, तो इसलिए मैं जब नहीं करना चाहता. लेकिन अब हम दोनों कर रहे हैं एक साथ. नूर साहब इतनी सीक्रेट छोड़ के चले गए. He is a very smooth operator, I must say. I'm really looking forward to working with Saima Saiba because you know, I mean, मैंने इन जो कुछ मैंने recent जो फिल्मों में देखा है, कुछ गाने देखे मैंने इनकी देखे. मैं खुद बहुत फैन हूँ और आपकी फिल्में देखी हैं, बहुत पसंद है आपकी परफॉर्मेंस. ये तो मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ काम करूं. नहीं इंशाल्लाह भी. वैसे सच बताओ, मैंने कहा ये मेरा वाहिद आज पहला शो है जिसमें आज तक मैंने जितने शोज किए हैं जिसमें हम तीनों ही एक दूसरे के फैंस हैं. कितनी मोहब्बत है यहाँ पर बिखरी हुई है ना? नहीं मैं तो तुम्हारा फैन ही हूँ. हम तो हमारा तो एक जमाने मैंने भी तुम्हारा फैन अपने आप को नहीं बोल रही थी. मैं सायमा को बोल रही थी वो तुम्हारी थी. नहीं लेकिन तुमने मेरी हमारा आपस में कनेक्शन ज्यादा स्ट्रांग है. अच्छा आई एम नाउ वेरी अपसेट विद यू टॉकिंग टू यू. अच्छा खैर एनीवे, टेल मी यू वर्क विद शान इन हिज फिल्म. Yes. And how did you find him as a director, as an actor, and as a human being? Shan as a director, I think he's a very self-indulgent director. Directors जो हैं वो बड़ी neutrally आपको काम करना चाहिए. आप self-indulge नहीं कर सकते. That's what I think. Maybe I'm wrong. But
जो एक मैंने फिल्म की वापस आके जो काफी अरसे के बाद फिल्म उस फिल्म में द बेसिक थिंग वाज दैट इट इट ऑन द पेपर्स इट 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 वाज अ डिफरेंट फिल्म लेकिन जब वो कट के सामने आई इट वाज अ टोटली डिफरेंट फिल्म यू नो एंड दैट इज व्हाई आई से एक्टर्स जब डायरेक्टर्स बने तो उनको बहुत ध्यान से अपने आप को एक्टर होना उनको अपने माइनस करना होता है दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एन एक्टर टू डू आई थिंक शान कुड नॉट डू इट यू नो वो जिस भी वजह से था यू नो ही वांटेड टू बी ऑन द स्क्रीन मोस्ट ऑफ द टाइम व्हिच वाज द डाउनफॉल ऑफ दैट फिल्म बेसिकली एंड लेकिन होता है फिल्में चलती हैं फ्लॉप होती हैं कोई ऐसी बात नहीं है खत्म होगी बात कोई इतना एज अ पर्सन I do not know him very well because he's a very very closed person. Saima, तुमने शान के साथ बहुत सारा काम किया as an actor काम किया तुमने उसकी direction में भी काम किया फैसल ने जो कहा would you agree with that क्या तुम उसके साथ मुत्तफिक होगी क्या वो है अपने आप से इश्क में मुब्तला है? है ऐसा है क्योंकि मैंने उनके साथ दो तीन उनकी अपनी फिल्में की उसमें मैंने भी यही बात देखी होना ये चाहिए कि जब आप खुद डायरेक्ट कर रहे हैं तो उसमें खुद ना आए और अगर आप आए हैं तो फिर आप अपने आप को चेक करते रहें कि मैं एक डायरेक्टर हूं मैं एक्ट्रेस नहीं हूं यू नो दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू आई काइंड ऑफ एग्री विद बोथ ऑफ यू ऑन दैट मैं देखने गई थी रीमा की फिल्म कोई तुस्सा कहा लेकिन उसका नाम कोई मुत्सा कहा सा होना चाहिए था बिकॉज आई थिंक यू बोथ हैव अ पॉइंट देयर अगर डायरेक्टर खुद ही स्टार भी है या एक्ट भी करे तो ऑब्वियसली ही और शी वुड बी सेल्फिश एंड वुड ट्राई सॉरी आपकी मैं बात काट रहा हूं मेरे ख्याल में दिस इज अ वेरी बिग इनसिक्योरिटी ऑफ एनी आर्टिस्ट टू बी सेल्फ इंडल्जेंट दैट वे यू नो यू कांट डू इट यू नो यू आई मीन आई थिंक आई यू नो पर्सनली आई वुड नॉट डू इट बिकॉज आई थिंक इट इज नॉट सर्विंग एनी पर्पज टू दैट प्रोडक्ट दैट यू मेकिंग उस प्रोडक्ट के साथ ज्यादती हो रही है जो आप बना रहे हैं यू नो साइमा It's so wonderful to have you here. मुझे इतनी खुशी हो रही है बारी-बारी. I'm still not over. Again, statement. Begum Nawaz Shadi has fallen in love, true love, with Saima. फैसल के साथ तो सिर्फ time pass हो रहा है. You know, I think all men are good for. But you remember once you were in love with me. हाँ वो. शुरू की बात. हम छोटे थे बचपन की शायद भूल कह लो उसको. फैसल. माफ करना. नहीं मेरी जान. I'm just being vicious. No, but you're such a janu, you know. And the level of comfort that him and I have had, हमारा जो आपस में comfort level है ना वो इतने मजे का कि मैं जानती हूँ कि मैं से कोई भी बात कह सकती हूँ. कहो ना और भी कहो कोई बात. कह दो कुछ. कह दो आज. साइमा मेरे देखने वालों को अपने सब मदाहों को के लिए कोई पैगाम कोई बात कहना चाहोगी? यही कहूँगी कि जिंदगी बहुत छोटी है. इसको जितना चाहे भरपूर जिया जाए और खुशियाँ बांटनी चाहिए. दूसरों के लिए अच्छा सोचना चाहिए अच्छी सोच रखनी चाहिए. इसमें लड़ना झगड़ना ये सब भूल जाना चाहिए. यही कहूँगी. That's a wonderful thought. लेकिन आप खुद भी ना लड़े हो ना दूसरे आपसे जबरदस्ती आके लड़े होते हैं उसका क्या करें मतलब उसको अवॉइड करने हाँ that's the way to do it exactly. Anything you'd like to say to my viewers? I think your viewers are my viewers as well. I think viewers should know that life is again just as Saima Sahiba ne kaha life is very short. Never think about the past. Never think about the future. Just you know. Be good to everybody and to yourself first. अपने आप से you know be good to yourself and have a good time all the time. Only you should look for good times in your life and then you will look like me at my age. You know you're right. We should all look for good times. But good times people keep looking for me all the time. जब देखो उनके photographers आके मेरी तस्वीरें छाप छाप के अपने magazine में डालते रहते हैं. So, like, I'm sick and tired of these social pages and gossip and all of that. I think Faisal, मैं तुम्हारे साथ और साइमा आप दोनों के साथ चलती हूँ अभी वापस लाहौर. आई थिंक आई नीड अ ब्रेक. आई नीड टू बी इन लाहौर. यू कैन टेक मी फॉर बेनजीर कुल्फी एंड यू कैन टेक मी फॉर दोस गोलगप्पास एंड वी कैन गो टू लिबर्टी वी कैन गो टू फूड स्ट्रीट. ऑफ आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. आई दैट बी लवली. हां वी विल ऑल हैंग आउट टुगेदर. फिर इसका हम रोल भी बैठ के खुद सब मिलके डिजाइन करेंगे. साइमा इट वॉज एब्सोल्युटली डिलाइटफुल. एब्सोल्युटली डिलाइटफुल हैविंग यू. बहुत बहुत शुक्रिया. अनफॉर्चुनेटली आई एम गोइंग टू बी वेरी क्या कहना चाहिए सेल्फिश. नॉट सेल्फिश एक्चुअली बट अनफेयर टू यू गाइज राइट नाउ बिकॉज
हमारी महफिल तो अभी जमी रहेगी और अभी हम बहुत सारी बातें एक दूसरे के साथ करने वाले हैं मजीद, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है. सो आई एम गोइंग टू टेक योर लीव अनटिल नेक्स्ट वीक व्हेन आई विल बी बैक विद टू वेरी एक्साइटिंग पर्सनैलिटीज़. आई एम श्योर कि आपको आज के मेरे दोनों मेहमानों से मिलकर बहुत खुशी हुई होगी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जैसा कि साइमा और फैसल ने कहा कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, हर पल को खुशी खुशी गुजारें और हर पल को भरपूर तरीके से जीते रहें, खुश रहें. अपना ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़. नवाज़िश. मैं नजारा जदों की तस्वीर दा पैंदा एक